जिला पंचकुला से आ रही है बड़ी खबर, जहां आपको बता दें कि बहुचर्चित रंजीत सिंह हत्या के मामले में सीबीआई कोर्ट द्वारा आज के दिन बलात्कारी बाबा राम रहीम समेत 5 दोषियों को सजा सुनाई जाएगी। तो वहीं इसको देखते हुए पंचकुला पुलिस ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम के साथ साथ धारा 144 भी लगा दी है। पंचकुला पुलिस द्वारा सुरक्षा के मद्देनजर शहर में 17 पुलिस नाके लगाए गए हैं, जिनमें कि कुल 700 के करीब जवानों की तैनाती की गई है। आपको बता दें कि बहुचर्चित रंजीत सिंह हत्या मामले में 19 साल बाद सीबीआई की विशेष अदालत गुरमीत राम रहीम, कृष्ण लाल, अवतार, जसवीर और सबदिल को आज सजा सुनाएगी। आज की सुनवाई के दौरान मुख्य दोषी बलात्कारी गुरमीत राम रहीम रोहतक की सुनारिया जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश, तो वहीं बाकी आरोपी कृष्ण लाल, अवतार, जसवीर और सबदिल प्रत्यक्ष रूप से सीबीआई कोर्ट में हाजिर होंगे, जिसको देखते हुए पुलिस द्वारा उन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि 8 अक्टूबर 2021 को पंचकुला स्थित हरियाणा की विशेष सीबीआई कोर्ट द्वारा बलात्कारी गुरमीत राम रहीम, कृष्ण लाल, अवतार सिंह, जसवीर और सबदिल को आईपीसी की धारा 302 हत्या और 120 भी आपराधिक षड्यंत्र रचने के तहत दोषी करार दिया गया था और सजा सुनवाने की तारीख 12 अक्टूबर निश्चित की गई थी। मौजूदा समय में बलात्कारी बाबा गुरमीत राम रहीम रोहतक की सुनारिया जेल में दो साधियों के बलात्कार आरोप में 20 साल की सजा व पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्या आरोप में उम्र कैद की सजा काट रहा है। आज सेशन कोर्ट सीबीआई कोर्ट से बाबा राम रहीम के बारे में जो फैसला आना है, उस बारे में सुरक्षा के प्रबंध बहुत ही चौकस है और किसी प्रकार की कोई घटना, अप्रिय घटना नहीं घटने दी जाएगी, ना ही कोई उम्मीद है ना घटने दी जाएगी। हमारे आईटीबीपी पुलिस, हरियाणा पुलिस और मधुबन से अलग से स्पेशल टुकड़ी आई है, कोई ऐसे ही अंदेशा भी नहीं है और कुछ होगा भी नहीं, ना ही कुछ होने देंगे। कोर्ट कम्प्लेक्स के बाहर जो भी रास्ते हैं सभी पे नाके लगाए गए हैं और अंदर अलग ड्यूटी है, कोर्ट के अंदर के बाहर, कोर्ट के कम्प्लेक्स के अंदर ड्यूटी है, बाहर अलग नाके लगाए गए हैं। ये चारों तरफ जो रास्ते एंट्री होती है वहाँ नाके लगाए हैं, आईटीबी फोर्स लगाई गई है।